हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं एक्सा E800 गेमिंग हेडसेट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं। ये गेमिंग हेडसेट की सबसे खास बात मैं आपको बताऊं तो गाइस, ये जो गेमिंग हेडसेट है 24 मंथ्स की एक्सटेंडेड वारंटी के साथ आ जाते हैं, यानी कि 2 साल तक बिना टेंशन के आप इन गेमिंग हेडसेट्स को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है बेटर साउंड, बेटर डिजाइन, बेटर कंपैटिबिलिटी, इस तरह के बॉक्स में मिले हमें ये गेमिंग हेडसेट। बॉक्स के इस तरफ यहाँ पर इसके बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसके अंदर स्टीरियो म्यूजिक मिल जाते हैं, ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, सॉफ्ट ईयर मफ है, वाइड कंपैटिबिलिटी है। बॉक्स के पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो गेमिंग हेडसेट है आप प्लेस्टेशन के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सबॉक्स वन के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, पीसी, लैपटॉप, निंटेंडो स्विच, मैक, यहाँ तक कि आपके मोबाइल के साथ भी इन गेमिंग हेडसेट को इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोडक्ट के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है, जैसे कि इसके अंदर स्पीकर साइज 40 mm का हमें देखने को मिलता है, ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है, यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ये हेडसेट का बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चाहे तो एक्सा E800 गेमिंग हेडसेट को खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसको मैं कर लेता हूं अनबॉक्सिंग, और आपको मैं थोड़ी बहुत गेमिंग भी करके बताने वाला हूं ये हेडसेट को यूज करके, उसके बाद बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन हेडसेट को यूज करने के बाद। तो बॉक्स को ओपन कर लिया है मैंने, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे मिला है हमें एक पैकेट, और उसके ऊपर लिखा है यूज़र मैनुअल गाइड बोलकर, और इसके अंदर शायद ये वारंटी कार्ड है, और यहाँ पर हमें एक स्प्लिटर भी मिल जाता है। ये जो चीज़ है पीसी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। तो भाई फिलहाल इसको रखते हैं अपन साइड में, और क्या है देख लेते हैं। बॉक्स के अंदर एक और यूज़र मैनुअल मिली है, और ये यूज़र मैनुअल काफ़ी ज़्यादा बड़ी है गाइस। इन सारी चीज़ों को मैं रखता हूँ यार साइड में, अभी बताऊँगा मैं आपको। अपने हेडसेट निकाल लेते हैं यहाँ से। वाओ, कलर मेरे को काफ़ी ज़्यादा गजब का लगा गाइस। इसका ग्रे, ब्लैक, ब्लू, 3 कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। हेडसेट की क्वालिटी एकदम झकास लगी गाइस मेरे को, आप देख सकते हो। वाओ, कितने ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं देख सकते हो। केबल के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ब्रेडेड केबल है पूरी तरीके से, और केबल काफ़ी ज़्यादा थिक है गाइस। यहाँ पर यह है इसका कंट्रोलर, यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, और माइक को यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। केबल की लेंथ है 2 मीटर्स, और इसके ये जो कनेक्टर्स है, यहाँ से आप इसको पीसी के अंदर लगाओगे तो इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट्स जगमगाने लगेंगी। और यहाँ पे है इसकी 3.5 mm का पिन, तो इसको आप डायरेक्टली आपके मोबाइल में भी लगा सकते हो, या फिर पीसी में भी लगाकर गेम के मज़े ले सकते हो। तो अभी बात करते हैं ईयर कप्स के बारे में। ईयर कप्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है यार, ये ऑन द ईयर हेडफोन्स है, और साइज़ भी देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है। इसका वेट बहुत ही कम है गाइस, बहुत ही लेस वेट के हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील होते हैं अगर आप इसे लॉन्ग टाइम तक भी यूज़ करते हो। ये रहा इसका हेडरेस्ट, और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और ऊपर लिखा है एक्सा बोलकर, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है पूरी तरीके से मेटल का है, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है गाइस। और ये जो ईयर कप्स है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है यार, आपके हेड के हिसाब से ये अपने आप ही एडजस्ट हो जाएंगे, और ये जो हेडरेस्ट है आपको बार बार एडजस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसे ही पहनते हो ये अपने आप ही आपके हेड के हिसाब से एडजस्ट भी हो जाएगा। तो अंदर यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी अच्छा एक क्लॉथ दिया हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट राइट बोलकर भी दिया हुआ है। तो इसका माइक मेरे को जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा, मैं आपको माइक भी निकाल के दिखा देता हूँ। ओमनी डायरेक्शनल माइक है, और इसके अंदर आपको नॉइस कैंसलेशन भी देखने को मिल जाती है, पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, आप जिधर चाहे उधर मोड़ लो गाइस, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसको आप पूरी तरीके से अंदर की ओर भी ढकेल सकते हो, देख रहे हो कितनी अंदर जा चुका है। आपको यूज़ करना है तो जस्ट आपको बाहर पुल करना होता है। ये चीज़ मेरे को इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, तो डिज़ाइन मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा गाइस। अरे यार, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना ही भूल गया गाइस, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो मैंने शायद 3 महीने पहले एक्सा E900 की भी अनबॉक्सिंग की थी। ये जो हेडसेट है आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, और आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसे खरीद कर काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की थी, क्योंकि ये भी हेडसेट एक्सा की तरफ से थे, काफ़ी ज़्यादा कमाल के थे। तो चलो दोस्तों, ये हेडसेट को अभी मैं मेरे लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ, कुछ म्यूज़िक कुछ वीडियोस वगैरह देख लेता हूँ, फिर आपको बताऊँगा मेरे को इसकी साउंड क्वालिटी कैसी लगी। उसके बाद
ये जो हेडसेट है मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट करके कुछ गेमिंग वगैरह भी खेल के देखते हैं, फिर आपको बताऊंगा मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा इन हेडसेट को यूज करने के बाद। तो गाइस हेडसेट को जो है मैंने मेरे लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है, तो इसके अंदर लाइटिंग वगैरह आप देख सकते हो, यहाँ पर ब्लू कलर की लाइटिंग इसके अंदर दी गई है। RGB तो मिलती नहीं है गाइस इसके अंदर, पर ये लाइट भी जो है काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा ब्राइट है। और इसके माइक के अंदर भी यहाँ पर छोटी सी एक लाइट दी हुई है, तो पूरी तरीके से इस हेडसेट का जो लुक है काफी ज्यादा एनहांस कर देती है ये। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ मूवीज वगैरह देख रहा था अभी इस हेडसेट को यूज करके, तो इसकी जो साउंड है मेरे को बिल्कुल बैलेंस लगी, बेस बिल्कुल बैलेंस है, ट्रेबल बिल्कुल बैलेंस है, वोकल जो है काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर सुनाई देते हैं। इसके अंदर हम लोगों को स्टीरियो साउंड देखने को मिलती है, तो भाई सही है यार, बिल्कुल सही हेडसेट लगे मेरे को ये इस प्राइस रेंज के हिसाब से। गाइस अगर आप दूसरे हेडसेट वगैरह देखते हो तो वहां पर किसी के अंदर बेस ज्यादा देखने को मिलता है, किसी के अंदर ट्रेबल ज्यादा देखने को मिलता है, पर इसके अंदर जो है बेस बिल्कुल सही दिया गया है, एकदम थम्पी सा बेस नहीं है, ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेबल भी नहीं दिया गया है, बिल्कुल बैलेंस बना के रखा गया है बेस और ट्रेबल के बीच में। वोकल्स भी काफी क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रहे हैं। इसका लुक आप देख सकते हो गाइस काफी ज्यादा बढ़िया है, ईयर्स को पूरी तरीके से कवर कर देते हैं ये हेडसेट, ये एक ओवर द ईयर हेडसेट है। तो चलो दोस्तों अभी कुछ गेमिंग भी करके देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं फ्री फायर गेम खेलने वाला हूँ, तो भाई गेम के अंदर आवाज काफी ज्यादा जबरदस्त आ रही है, तो भाई इसके अंदर जो गोलियां चलने की आवाज आती है काफी ज्यादा बूम ब्लास्टिक आती है यार, मजा ही आ गया मेरे को। तो इस हेडसेट को आप चाहे तो PC में भी इस्तेमाल कर सकते हो गेमिंग के लिए, PS4, Xbox, भाई काफी ज्यादा ऑप्शंस है इसमें कनेक्ट करने के लिए। दोस्तों 2000 रुपीज के नीचे के बजट में ये जो हेडसेट है काफी ज्यादा किलर डील लगी मेरे को। अगर आप इन हेडसेट को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप चाहे तो XA E800 गेमिंग हेडसेट को खरीद भी सकते हो। मेरे को ये जो हेडसेट है काफी ज्यादा कमाल के लगे। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये हेडसेट कैसे लगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो पर जरूर से लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा देना। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा मेरा एक और चैनल है चटपट गैजेट्स TV के नाम से, वहां पर मैं काफी मजेदार गैजेट्स की वीडियोस डालता ही रहता हूं। तो उस चैनल पर मैंने iPhone 12 128GB वर्जन की वीडियो डाल दी है। इस फोन को मैंने Flipkart के बिग बिलियन डे सेल में खरीदा था, काफी ज्यादा कमाल का फोन है, जाकर वीडियो जरूर से देख लेना। तो आज यहाँ पर मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट, तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है सिकंदर वर्मा, शुभम तिवारी, राजू कुलकर्णी, जयान, नमनजीत, देवचंद, अरहाम खान, संकेत, UK वर्मा, ध्रुव वर्मा। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।